आज हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है और क्या इसके नेचर होते हैं और क्या इसके टाइप्स हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि क्या डेफिनेशन होता है इंटेलिजेंस की। तो फर्स्ट डेफिनेशन दिया गया है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मास्टर द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू सक्सीड विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर। तो इंटेलिजेंस ही क्या बोला, इंटेलिजेंस क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जो किसी भी कल्चर में सक्सेस पाने के लिए या किसी भी चीज़ को अचीव करने या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे वर्ल्ड अंदर जो भी नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। जिस भी टॉपिक के बारे में जितना भी हमारे अंदर जो नॉलेज है किसी भी क्या होता है कल्चर को क्या करने के लिए अचीव करने या किसी भी कल्चर में अच्छे से सक्सेस पाने के लिए जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन में देखने गया कि इंटेलिजेंस इज़ दी एग्रीग्रेटेड और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रीजनली कॉमन टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिव विद द इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है, मतलब ग्लोबल जो भी उसकी टोटल जितनी भी नॉलेज है जो भी कैपेसिटी है नॉलेज है वो क्या है, कहीं ना कहीं किसी भी किसी गोल को ईजिली क्या कर सकती है, अचीव करने में हेल्प कर सकती है या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो मतलब जो भी आपकी ग्लोबल जो भी टोटल नॉलेज है जो टोटल इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी ऑब्जेक्टिव के बारे में जिस चीज़ में जिसकी वजह से हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रोसेस को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो सिंपल सा ये इंटेलिजेंस क्या होता है कि किसी भी वर्क को हम कंप्लीट करने में जो भी हमारी नॉलेज हेल्प करती है या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रोसेसर को कंप्लीट करने में जो भी हमारी नॉलेज है जो हमें यूज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। तो ये था आपका क्या, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इंटेलिजेंस पर्सन। तो जो भी क्या आइडियल इंटेलिजेंस पर्सन की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो जो भी एक आइडियल इंटेलिजेंस है जिसमें एक प्रॉपरली क्या होता है गुड नॉलेज होगा तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, टेक गुड डिसीजन। तो वो होगा जो भी आइडियल पर्सन है वो कैसे होगा, जो भी अपनी इंटेलिजेंस की वजह से क्या करेगा, टेक गुड डिसीजन। जो भी डिसीजन लेगा वो कैसे लेगा, बहुत अच्छे से लेगा या गुड डिसीजन लेगा, कभी भी जो भी डिसीजन लेगा वो कैसा होगा, उसका बहुत बेटर होगा या उसका कोई ना कोई रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सेकंड क्या है आपका इसमें दिया गया कि डिटरमाइन हाउ टू अचीव गोल। अब वो अच्छे से क्या डिटरमाइन कर सकता है कि वो किसी गोल को किस तरह से अचीव कर सकता है अपनी इंटेलिजेंस अपनी नॉलेज के बेस, क्योंकि उसको नॉलेज बहुत अच्छा है तो वो इजीली क्या कर सकता है किसी भी गोल को अच्छे से क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है अपने नॉलेज के बेस पर, अच्छे अपने नॉलेज को अच्छे से अप्लाई करके। नेक्स्ट वन क्या है आपका, डिस्प्ले अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या करता है, एक अवेयरनेस शो करेगा किसके लिए, वर्ल्ड के लिए, जो भी सारी अपने उसके अराउंडिंग की जो भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में जो भी उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में क्या होगा, उसको बहुत अच्छे से अवेयरनेस होगी उसके बारे में, बहुत अच्छे से उसको नॉलेज होगा और इजीली उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें, एबिलिटी टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। तो उसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है, क्या होती है, एक गुड एबिलिटी होती है जिसे क्या कर सकता है वो इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से एडजस्ट कर सकता है और इन्वायरमेंट के साथ होने वाली प्रॉब्लम को भी ईजिली क्या कर सकते हैं, वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एबिलिटी टू परसीव दी रिलेशनशिप। तो उसमें क्या होगा, एबिलिटी होगी किसको, किसी भी रिलेशनशिप को परसीव करने की, मतलब किसी ना किसी रिलेशन कोई भी रिलेशनशिप को उसको क्या कर सकता है, ईजिली वो परसीव कर सकता है और उसके बारे में अच्छे से समझ सकता है और उसकी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकता है, किसके बेस पर, उसकी गुड नॉलेज के बेस पर। नेक्स्ट में देखते हैं, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो हम क्या, अगर गुड आइडियल अगर अच्छे से नॉलेज होगा तो हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक ऐसी क्वालिटी होगी जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, एबिलिटी टू थिंक। उसमें क्या होगी, एबिलिटी टू थिंक, वो प्रॉपरली थिंक कर सकता है किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी प्रोसेस को प्लान करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से थिंक कर सकता है और प्लान कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसके बेस पे, गुड नॉलेज के बेस पे। नेक्स्ट आपका क्या है, एबिलिटी टू लर्न। तो उसमें क्या होगी, एक एबिलिटी होगी किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने में या उसमें वो अच्छे से किसी चीज़ को आसानी से सीख सकता है क्योंकि वो अच्छे से उसमें अपना परफॉर्मेंस देगा और किसी भी नॉलेज को बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, सीख सकता है, किसी भी कंटेंट को अच्छे से लर्न कर सकता है। तो ये था क्या, एक आइडियल पर्सन की क्या करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्या क्या नेचर होंगे किसके, इंटेलिजेंस के, मतलब किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के बारे में ही बात हो रही है, किस तरह की उसकी प्रकृति होगी। तो फर्स्ट है, इट इज़ एन इननेट
एबिलिटी, ये क्या होती है, एक इननेट एबिलिटी, मतलब ये क्या होती है आपकी आंतरिक एबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में क्या होता है सेव होती है, कभी ना कहीं रिक्वायरमेंट होने पर हम उस चीज़ को रिकॉल करते हैं या आंसर करते हैं जो हमने प्रीवियसली क्या किया है, लर्न करके स्टोर करके रखा है, उसको हम क्या करते हैं यूज़ होने पर या कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में जो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसी होती है, इननेट एबिलिटी होती है जो कहीं ना कहीं ब्रांड के अंदर सेव होती है, जब नीड होती है जब हम क्या कर सकते हैं उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इट शोज दी कैपेसिटी टू अडेप्ट न्यू नॉलेज। तो ये क्या करता है, एक शो करती है क्या कैपेसिटी किसको, न्यू नॉलेज को अडेप्ट करने के लिए। से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी हेल्प से इंटेलिजेंस क्या करते हैं, हम किसी भी न्यू नॉलेज को अच्छे से क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ उसकी कुछ बेसिक टर्म्स या बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो हम न्यू चीज़ों को ईजिली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसके बारे में बहुत अच्छे से अपने ब्रेन में सेव इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है आपका, इट इज़ दी एबिलिटी टू कैरी एन हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग एंड जजमेंट। तो ये क्या है, इट एबिलिटी टू कैरी हायर मेंटल प्रोसेस, में क्या है हायर मेंटल प्रोसेस है जिसमें क्या करें रीजनिंग और जजमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इसमें क्या है कि एबिलिटी क्या होता है, कैरी और हायर मेंटल प्रोसेस, हायर मेंटल प्रोसेस ये मतलब बहुत ज़्यादा अपनी हायर मेंटल प्रोसेस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी प्रोसेस के बारे में अच्छे से लर्न कर सकते हैं, तो वो रहता है क्या आपका प्रोसेस। तो इसमें क्या था, जिसकी रीजनिंग और किसकी हेल्प से, जजमेंट की हेल्प से। नेक्स्ट में देखते हैं क्या, इट शो दी कैपेसिटी टू ऑब्जर्व रिलेशनशिप। तो ये क्या करता है, इट शो करता है किसमें, कैपेसिटी टू ऑब्जर्व रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करने के कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का किसी अदर ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, किस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल है। तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी कंटेंट का या किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव का कहीं ना कहीं किसी ना किसी से क्या होता है, कोई ना कोई रिलेशन होता है, उसके बारे में बताने में भी हेल्प करता है। जैसे कि सिंपल सा हमारा सेल फोन, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन होगा। एनवायरनमेंट या कोई भी व्हीकल्स इन सब से क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट है और हमारा क्या हो जाता है इनसे रिलेशन। तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में क्या रिलेशनशिप है, आप किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट है, उसके बारे में भी क्या करता है ये नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो ये थे क्या इसके नेचर्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंसी के टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो इसको क्या है मेनली थ्री टाइप्स में क्या डिवाइड किया है, कौन कौन सा आपका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस। तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ऐसे कि जो भी कंटेंट है वो क्या होते हैं कि हमने जो भी लर्न किया है उनका वर्क करने का प्रोसेस सेम होगा। आप किसी भी टाइम करो कभी भी करो क्या होगा, जो भी वर्किंग प्रोसेस होगा सेम होगा। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं, कोई भी मशीनरी टाइप की कोई भी इक्विपमेंट है जो क्या होगा उनका प्रोसेस क्या होगा, एक सेम प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं होगा हर दिन उसका प्रोसेस चेंज होगा। जैसे कि सिंपल से स्टेथोस्कोप का यूज़ करें तो हम क्या है उसका ऑन और ऑफ करने का एक सिस्टम होगा, इस बार वो हमें हार्टबीट को सुनने में हेल्प करता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड को सुनने में हेल्प करता है, जैसे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उनके ये फंक्शनिंग सेम होगी। एक बार हमने लर्न कर लिया तो वो हमारे माइंड में कभी भी हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, उसको वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो भी फंक्शन होगा वो कहीं पे भी किसी भी टाइम पे या कहीं पे भी आप किसी भी जगह शिफ्ट हो जाओगे तो वहाँ पे उन चीज़ों का फंक्शन सेम होगा। जैसे कि कोई भी व्हीकल्स को चलाना, ड्राइव करना, तो वो भी कहीं ना कहीं सारे फंक्शन उसके सेम हो, कोई भी टाइप का हो सकता है। तो वो क्या रहता है आपका कॉन्क्रीट, मतलब किसी ना किसी सेम इंस्ट्रूमेंट या उसमें कोई भी फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं क्या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका सोशल इंटेलिजेंस। सोशल मतलब हमें सोसाइटी के बारे में जितना भी नॉलेज है, जो भी हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं, किस तरह का बिहेव है, कैसे कैसे उनके साथ रहना है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, इन्वायरमेंट में किस क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब पूरा सोसाइटी के बारे में जो भी सोशल नॉलेज है, हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना है, वो सारी नॉलेज जो भी क्या होगा आपका सोशल इंटेलिजेंस, मतलब सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नया कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या रहता है आपका पूरा सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस जैसे कि जनरली हमें जो भी चीज़ों के बारे में नॉलेज जनरल, जैसे कहीं ना कहीं हम लोगों ने जैसे कि हम किसी भी फील्ड, जैसे कि हम लोगों ने क्या है काफ़ी प्रोसीजर के बारे में लर्न किया है, काफ़ी डिसीज़ के बारे में पढ़ा है,
तो ऐसा नहीं है कि हर बार हमें एक ही डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए मिले, हर बार क्या हो सकता है न्यू न्यू डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए मिले, तो हमें हर जगह क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट रूल्स क्या करने पड़ते हैं अप्लाई करते पड़ते हैं। और कॉन्क्रीट में क्या होता है कि जो भी रूल होंगे वो सेम होंगे, जैसे कि हमें टाइपिंग आता है तो कहीं पर भी किसी भी सिस्टम पर आप वर्क करते हो टाइपिंग के जो की हैं वो सेम होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन क्या होगा आपका जो भी प्रोसीजर होंगी वो कहीं ना कहीं आपका डिफरेंट डिफरेंट होती जाएंगे, जैसे आई केयर करे तो डिफरेंट होगा, माउथ केयर करे तो डिफरेंट, तो मतलब हर जगह या कोई भी सर्जरी कोई भी डिसीज़ का आप ट्रीटमेंट करें तो हर जगह ट्रीटमेंट के लिए प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होगी, डोज डिफरेंट होगा, ड्रग डिफरेंट होगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया जनरल इंटेलिजेंस, मतलब हर जगह कुछ चेंजेस आना वो क्या होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों यही क्या रहते हैं तीनों में डिफरेंट रहते हैं, इसमें कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस सोशल एंड जनरल इंटेलिजेंस के अंदर। तो आज हम लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में देखा, डेफिनेशन पढ़ा, नेक्स्ट हमने नेचर्स पढ़े और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।